हेलो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन मैं राहुल सिंह फिर से आप सभी का एक बार आईसएल क्लास इसमें वेलकम करता हूं और अगेन नाउ अब हम फिर से एक बार कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन के नेक्स्ट सेट को डिस्कस करने वाले हैं इस सेट में कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो वाले भी इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो so, चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पूरी वीडियो को देखें अगर उन्हें लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और कमेंट जरूर करें और जिन्होंने पहले से ही मेरी वीडियोस रीड करी हुई हैं पढ़ी हुई हैं देखी हुई हैं वो फटाफट से एक नोटबुक और पेन लेके बैठे और ये देखें कि आप कितने क्वेश्चंस जो है इसमें से सही कर पा रहे हैं तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं मैं राहुल सिंह आपका ट्रेनर आपका टीचर आईसीएल क्लासेस की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहां पे विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाई आ फोन लाइन विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाई अ फोन लाइन राउटर यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए मॉडर्न यूज किया जाता है स्विच यूज किया जाता है या हब यूज किया जाता है आप खुद सोचिए इंटरनेट की वायर है कंप्यूटर है उसको कनेक्ट करना है फोन लाइन से तो कैसे क्या इसके लिए यूज होगा बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है मॉडर्न आपने देखा होगा आजकल हर एक घर में वाईफाई लगे हुए हैं उन वाईफाई के लैंड वायर जिसमें कनेक्ट होती है वो आपका क्या है मॉडम है तो चलिए गाइस यहां पे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क बार टास्क बार डिस्प्ले द करंट टाइम एंड डेट क्या ये शो करता है शो ऑल ओपन एप्लीकेशन एंड अलाउड क्विक स्विचिंग बिटवीन दैम लॉन्च फ्रिक्वेंटली यूज एप्लीकेशंस या कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेस सो गाइज आपने देखा होगा आपकी कंप्यूटर की जो ये स्क्रीन होती है नीचे यहाँ पे इंडिकेट करता है डेट एंड टाइम को इंडिकेट करता है क्विक एक्सिस बार लॉन्चर इनको भी करता है तो तो शो ऑल ओपन एप्लीकेशंस एंड ऑल क्विक स्विचिंग बिटवीन दैम यहाँ पे गूगल क्रोम इंटरनेट इस तरह से लिखे होते हैं तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं वट डज रैम स्टैंड फोर ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है इसकी फुल फॉर्म क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं च ऑप्शन विच सॉफ्टवेयर अलाउड यूजर टू व्यू वेब पेज ऑन द इंटरनेट विच सॉफ्टवेयर अलाउड यूजर टू व्यू वेब पेज इज ऑन द इंटरनेट वेब ब्राउजर वीडियो प्लेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या टेक्सट एडिटर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है वेब ब्राउजर सिंपल सा चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोल सी कीबोर्ड शॉर्टकट की इससे आसान क्वेश्चन इस सेट में बिल्कुल भी नहीं है क्या करता है कंट्रोल सी कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम्स कट करता है पेस्ट करता है या क्लोज करता है करंट एप्लीकेशन को तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपने चूज किया है कॉपी करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम्स को चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वट डज एस एस डी स्टैंड फॉर इन द ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम सिक्योरिटी ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव सुपर स्पीड ड्राइव या सिस्टम सॉफ्टवेयर ड्राइव अगर आपसे कोई पूछे वट इज द फुल फॉर्म ऑफ फुलसएसडी या आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में एस एस डी लगवा लीजिए तो आप कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सॉलिड स्टेट ड्राइव इज द राइट आंसर ऑफ एस एस डी चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विच सॉफ्टवेयर अलाउड यूजर टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट ऐसा कौन सा सेपरेट शीट एंड प्रेजेंटेशन ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट एडिटिंग डॉक्यूमेंट ये सारी चीजें यूज करने की हमें फैसिलिटी देता है वेब ब्राउजर है ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑफिस सूट है या मीडिया प्लेयर है तो चलिए हम यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं तो आपने एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही वो है आपका ऑफिस सूट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड एक्सल पावर पॉइंट एक्सेस ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं चलिए एर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वट इज पर्पस ऑफ अ जी पी यू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे ये भी बन जाता है कि भाई जो जी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है अगर हम यहाँ पे बात करें इसका पर्पस क्या होता है तो यहाँ चार ऑप्शंस मैंने दिए हैं फटाफट गैस कीजिए प्रोसेस करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को या कंट्रोल करता है डिवाइसेस को मैनेज नेटवर्क कनेक्शंस या रेंडर्ड ग्राफिक्स एंड इमेज फटाफट गैस कीजिए एक्टली exactly, आपने बिल्कुल सही आंसर कैस किया है रेंडर्ड ग्राफिक्स एंड इमेज इनको ये पढ़ लेता है देख लेता है समझ लेता है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली परमानेंटली डेटा के लिए क्या रेस्पॉन्स इवन वेन द पावर इज ऑफ अगर पावर ऑफ भी हो जाती है रैम जिम्मेदार है सीपीयू जिम्मेदार है हार्ड डिस्क ड्राइव या जीपीयू बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है इसका आंसर आपने सही गैस किया है हार्ड डिस्क ड्राइव आप कोई भी चीज सेव करते हैं सी ड्राइव में डी ड्राइव में ई e ड्राइव में जितने भी आपने अपने कंप्यूटर में ड्राइव बनाए हुए हैं तो बहुत इजी तरीके से आप उनको स्टोर कर पाते हैं फिर चाहे आपकी लाइट जाए या कंप्यूटर ऑफ हो जाए ऑन करते फिर से आपका डेटा जो है वो दिख जाता है चलिए टेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वट इज द रोल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कम्प्यूटर सिस्टम भाई हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का क्या रोल होता है इसका क्या काम होता है तो एक्सेप्ट करता है यूजर इनपुट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस डिस्प्ले और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर या स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है आंसर भी आई होप आपने सही गैस किया है एग्जैक्टली exactly, ये क्या करता है डिस्प्ले करता है या प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन टू द यूजर जो यूज कर रहा है आप भी अभी मेरे से क्या कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं यानी कि वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर इलेवंथ क्वेश्चन हम रीड करते हैं विच टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस सच एस स्मार्टफोन एंड हेडफोन्स एन एफ सी नियर फील्ड कम्युनिकेशन ब्लूटूथ वाई फाई रेड गाइज इसका आंसर हम सभी जितने भी आ, मेरे कैंडिडेट्स जितने भी यूजर्स इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं वो सब कैसे यूज करते हैं तो बिल्कुल आपने सही आंसर यूज किया है ब्लूटूथ ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस एंड मिलीसियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम इन्फेक्टिंग अ कंप्यूटर जितने भी हमारे अनऑथराइज एक्सेस होते हैं या मिलीशियस सॉफ्टवेयर होते हैं इन्फेक्टेड करते हैं हमारे कंप्यूटर्स को तो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर ऑफिस सूट या मीडिया प्लेयर तो मीडिया प्लेयर इनका तो कोई रोल भी नहीं है ऑफिस सूट का कोई मतलब नहीं है वेब ब्राउजर का कोई मतलब एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर को जितने भी अनऑथराइज एक्सेस होते हैं उनको स्टॉप करता है वायरस वगैरह से हमारे सिस्टम को क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है चलिए इसके बाद थर्टीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं च कंप्यूटर पोर्ट इज यूज फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिस्प्ले टू आर लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर यूएस बी एच डी एम आई वी जी ए या इथरनेट ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका आंसर बिल्कुल सही आपने गैस किया है एच डी एम आई फोर्टीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट डज सी पी यू कैशे मेमोरी डू Store डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली प्रोवाइड एडिशनल रैम कैपेसिटी इंक्रीज द सी पी यू प्रोसेसिंग स्पीड बाय स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली डेटा इसका आंसर मैंने दे दिया है इंक्रीज द सी पी यू प्रोसेसिंग स्पीड बाय स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली Right? डेटा राइट आपने देखा होगा कैसे मेमोरी भाई हमारी कैसे फाइल हो जाती हैं तो आप एक कमांड देते हैं यहाँ पर टैम्प की कमांड देते हैं और टैम्प की कमांड जैसे ही देते हैं तो वहाँ पर कैसे फ़ाइलें वगैरह आ जाती हैं तो अगर आप उनको क्या करेंगे रिमूव कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, है ना यहाँ पे बात करेंगे चलिए फिफ्टीन क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे विच कंपनी इज नोन फॉर इट्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यूज इन गेमिंग एंड प्रोफेशनल्स एप्लीकेशन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है ए एम डी एन वी डिया इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल सही आपने गैस किया है एनवीडिया क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं तो विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन तो चलिए इसमें फटाफट से गैस कीजिए रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है जीपीयू है या एच है बिल्कुल सही आपने कैस किया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन के लिए चलिए सेवनटीन की बात करें वाट डस यूएस बी स्टैंड फॉर ये क्वेश्चन भी मैंने रिपीट किया है ये पिछले सेट में भी मैंने डाला था यूनिवर्सल सीरियल बस यूनाइटेड सीरियल बस यूनी यूनिवर्सल सिस्टम बस या यूनाइटेड सिस्टम बस तो इसका आंसर फटाफट आप दे देंगे एग्जैक्टली यूनिवर्सल सीरियल बस चलिए 18 क्वेश्चन की बात करते हैं विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड रिटेन डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ रैम रोम कैसे मेमोरी वर्चुअल मेमोरी तो वर्चुअल मेमोरी और कैशे मेमोरी तो कोई है नहीं तो यहां पर क्या है रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम चलिए 19 क्वेश्चन की बात करते हैं वट डज द टर्म फिशिंग रेफर टू द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी यहां पर बात करें अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम अटैम्पटिंग टू डिवाइस या हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर गैस कीजिए फटाफट से एग्जैक्टली अटैम्प्टिंग टू डिवाइज इंडिविजुअल्स इन टू रिविलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन ये नहीं पढ़ा आंसर चलिए ट्वेंटी की तरफ पढ़ते हैं व्हाट डज जी यू आई स्टैंड फॉर वट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी यू आई आप ऐसे भी कह सकते हैं तो जनरल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्लोबल यूजर इंटरफेस जेनरिक यूजर इंटरफेस तो इसका फटाफट आप आंसर गैस कीजिए क्या होगा बिल्कुल आपने सही आंसर गैस किया है वो है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जी यू आई चलिए ट्वेंटी वन क्वेश्चन की बात करते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विच प्रोग्राम लैंग्वेज इज यूज फॉर बिल्डिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस यहाँ पे बात करें तो ए स्विफ्ट बी जावा सी सी प्लस प्लस और डी पाइथन फटाफट गैस कीजिए इसका आंसर आपको पता है इजिली वे में शाबाश जावा ट्वेंटी टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें व्हाट डज सी पी यू क्लॉक स्पीड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सी पी यू कॉर द साइज ऑफ द सी पी यू कैसे द नंबर ऑफ सी पी यू इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड द नंबर ऑफ बिट द सी पी यू कैन प्रोसेस एट वंस गाइस फटाफट गैस कीजिए जल्दी से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का हमारा सेट पूरा होने वाला है एग्जैक्टली exactly आपने सही आंसर गैस किया है द नंबर ऑफ सी पी यू इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से विच कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव टू कंप्यूटर यूएसबी एच डी एम आई वी जी ए या एथरनेट ये क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल आपने सही गैस किया है यूएसबी फोर्टीन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन की बात करते हैं हम वट इज द पर्पज ऑफ द कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की कॉम्बिनेशन इन अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप एक साथ कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन दबाते हैं तो क्या होता है लॉक द कंप्यूटर ओपन द टास्क मैनेजर रिस्टार्ट द कंप्यूटर या क्लोज ऑल ओपन विंडो सो गाइज एक बार प्रैक्टिकली भी देखिएगा तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा ओपन द टास्क मैनेजर पूरी की पूरी टास्क मैनेजर की जो स्कीड है वो ओपन हो जाएगी और वहां पर जो है आप चीजों को कर सकते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो रखी होती है लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है कई बार आपके रेलवे में इनमें पूछा गया है विच कंपनी डेवलप द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुली माइक्रो प्रोसेस द इंटेल फोर जीरो जीरो फोर आई बी एम इंटेल माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल फटाफट गैस कीजिए चलिए मैं ही बता देता तो, हूँ इसका आंसर बिल्कुल इंटेल ने सबसे पहले जो है डेवलप किया था ये सो गाइज ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के इस सेट के भी कंप्लीट होते हैं मैं आगे भी कंटिन्यू uh, कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू के सेट uh, डालता रहूँगा आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नाइस डे अगर मेरे चैनल से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो so, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें इनकम टैक्स टी डी एस जी एस टी माइक्रोसॉफ्ट एक्सल वर्ड पावर पॉइंट बिजी टैली प्राइम टैली ई आर पी नाइन सारे सॉफ्टवेयर्स मेरे पास वीडियोस अवेलेबल हैं प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़िए रीड करिए अपने इंटरव्यू क्लियर करिए और अपनी एक अलग पहचान और एजुकेशन को बढ़िया तरीके से आप समझें काम करें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नाइस डे टेक केयर गाइस